अरे लूट की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में ताना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे एक वीजा हमारे सदस्य वापस करो, वापस करो, वापस करो। अरे एक वीजा हमारे सदस्य वापस करो, वापस करो, वापस करो। अरे लोकतंत्र में ताना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में सरेआम लोकतंत्र की हत्या, मध्य प्रदेश पुलिस बनी बीजेपी की बी टीम। जिया साथियों, आज मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। साथियों, मध्य प्रदेश से दो ऐसी घटना सामने आई हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिया साथियों, अभी ताजा जानकारी आई है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से। भोपाल में जो कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य थे, उनको बीजेपी विधायकों ने किडनैप करके मतदान स्थल पर लेकर आए हैं और उस मतदान स्थल पर खुद बीजेपी के विधायक अंदर तक गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो आचार संहिता होती है उसके तहत कोई भी बाहरी नेता मतदान स्थल तक नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का पूरा सहयोग मिला है और पुलिस की साथ साथ गुंडागर्दी भी है। ये आरोप कांग्रेस के नेताओं ने खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। आप ये वीडियो देखिए। विजय विधायक आनंद शर्मा है जो अंदर जाने से रुक रहे हैं और वही नजर आ रहा है। साथियों, ये वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, लेकिन इससे भी बड़ी घटना कल मध्य प्रदेश के ही मुरैना जिले से आई है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जो कैलारस तहसील है, वहां पर जिला पंचायत सोपर के नव निर्वाचित एक सदस्य अपने मामा के यहाँ पर रिश्तेदारी में आते हैं। चूंकि आज सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसी के चलते श्योपुर जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव भी आज होना था। जिला पंचायत श्योपुर के वार्ड क्रमांक 7 से, जी हां साथियों, जिला पंचायत श्योपुर के वार्ड क्रमांक 7 के नव निर्वाचित सदस्य संदीप साह, जो कि अपने मामा के यहां पर रिश्तेदारी में आए हुए थे, ये घटना कैलारस थाना के आंतरी क्षेत्र की है। करीब रात के 2:30 बजे पुलिस सरेआम गुंडागर्दी करके केवल निर्वस्त्र चड्डी बनियान में, जैसा कि बाइट दी है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने बताया है कि जो कैलारस थाने की पुलिस के साथ कुछ नकाबपोश लोग भी थे जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप रामनिवास रावत जी ने लगाया है। पहले आप पूरा मामला समझिए, जो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। क्या मामला है, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव क्यों किया जा रहा है? श्योपुर जिला परिषद में 11 सदस्यों की जिला पंचायत है, 11 में से 6 सदस्य हमारे पास थे, 6 सदस्य घूमने गए थे, कल जनपद सदस्य वापस आए थे, उनके साथ 3 सदस्य वापस आए, जनपद सदस्यों को ले गए, 2 सदस्य हमारे यहाँ पहुँच गए, 1 सदस्य कैलारस में रुका था। रात में कैलारस की पुलिस और कुछ मुंह बांधे हुए लोग ने उसे रात को उसके मामा के घर से उठाया और चट्टी बनियान में लेकर के उसको वहाँ से जबरदस्ती उठा कर ले गए और गायब कर दिया। आज तक पता नहीं, आज भी कुछ सदस्य, आज हमारे 2 सदस्य राजस्थान से विजयपुर श्योपुर जाने के लिए आ रहे थे, रास्ते में जोरा टीआई, कैलारस टीआई
चिन्नौनी थाना प्रभारी और एक दो थाना प्रभारी, सारी पुलिस पीछे लग गई, उन गाड़ियों को पकड़ा, लोगों को दौड़ाया, लोगों की मारपीट की और एक सदस्य गिरधारी लाल बैरवा को पकड़ करके गायब कर दिया। कल एक सदस्य गायब किया था, आज एक सदस्य गायब किया है। हार की डर से ये सारा क्रम सत्ता के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा किया गया है, जो निंदनीय है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने क्या पुलिस को शिकायत की है? हम चाहते हैं कि पुलिस ने ये सदस्य गायब कराए हैं, पुलिस हमारी दोनों सदस्य वापस करे चुनाव से पहले। तो आप ये धरना क्यों दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं सदस्य हमारे वापस करे, कल चुनाव होना। और अगर धरना इन्होंने वापस नहीं किया आपके सदस्य तो धरने पे बैठे हैं, कल तो चुनाव ही हो जाएगा, कल चुनाव होने के बाद क्या अर्थ रह जाता है? आपका सीधा आरोप किसके ऊपर है? सीधा आरोप सरकार और पुलिस प्रशासन। आरोप लगाया है कि मुरैना की पुलिस ने शिवपुर के जिला पंचायत सदस्य का अपहरण कर लिया है और पुलिस हमें धमका रही है कि आप कोई शिकायत नहीं करें, ठीक नहीं होगा। देखिए, आज कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पास में आए थे और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप लिखित में अपना आप कंसर्न दें और उसके एक एक पॉइंट पे हम जांच करवाएंगे। यदि उसमें जरा सी भी सच्चाई हुई तो जो सही कार्रवाई है सही कार्रवाई की जाएगी, और यदि मुरैना से कोई गया है और तो उसको लाने की जवाबदारी पुलिस की है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और उसको बहुत जल्दी हम लोग रिकवर करेंगे। लेकिन पुलिस ने ही उसको उठाया है और पुलिस ही देखिए कल चुनाव है। देखिए, हमेशा जो है जब तक आरोप तथ्यात्मक ना हो तो वो आरोप ही रहते हैं। यदि उसमें हमने इसलिए हमने कहा है कि उसमें जरा सी भी सच्चाई है, जरा सा भी तथ्य है तो पुलिस उसको पूरी गंभीरता से लेगी और उसमें सही कार्रवाई होनी चाहिए और सही कार्रवाई उसमें होगी। जी साथियों, ठीक सुना आपने, पुलिस सरेआम बीजेपी के लिए काम कर रही है। और यही नहीं साथियों, कल आज जो 29 जुलाई को वोटिंग हो रही है वहां पर एक और जिला पंचायत सदस्य गिरधारी बैरवा जो कि वोटिंग के लिए सोपुर जा रहे थे, उन्हें कल रात को जौरा थाना के टीआई, कैलाश थाना के टीआई और चिन्नौनी थाना के थाना प्रभारी ने जिस गाड़ी से ये जिला पंचायत सदस्य वोटिंग के लिए आ रहे थे उनका पीछा करके जबरदस्ती से गिरधारी लाल बैरवा को पकड़कर ले गए हैं। और अभी तक इन जिला पंचायत सदस्यों का कुछ भी अता पता नहीं है। ये आरोप कांग्रेस के नेता, विधायक और अध्यक्ष लगा रहे हैं। और ये आरोप ही नहीं, अगर ये बात साबित होती है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरेआम धनबल का प्रयोग किया जा रहा है और पूरा शासन प्रशासन भाजपा के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, आपको बता दें, इससे पहले जो जिला पंचायत सदस्य के परिणाम आए थे उस वक्त भी जिला पंचायत सदस्य के जो गिनती हुई थी, काउंटिंग हुई थी, उसमें भी प्रशासन पर धांधली करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है कि तमाम जो जिला पंचायत सदस्य जीते थे उनको पैसे के दम पर हरवा कर कांग्रेस बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जिताया है। फिलहाल अब देखना ये बाकी है कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो आरोप सही हैं या गलत हैं, ये आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का आज चुनाव होना है। अगर समय पर ये जिला पंचायत सदस्य पहुंचते हैं वोटिंग के लिए तो कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हकीकत में कोई अपनी कार्रवाई के तहत पुलिस गई थी। लेकिन अगर ये जिला पंचायत सदस्य वोटिंग में नहीं पहुँच पाते हैं तो सीधा सीधा ये तय है कि पुलिस ने बीजेपी के लिए कार्य किया है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।